कोरोना वायरस के 1408 नए केसेज रिकॉर्ड, मजमुई तादाद 21581 हो गई। मजीद 7 मरीजों के जान भाग होने से कुल तादाद 290 तक जा पहुंची। सुबह भर में कोरोना वायरस के 2641 नए केसेज सामने आने से मजमुई तादाद 43460 हो गई। पहली से सातवीं जमात के तुलबा को प्रोमोट कर दिया गया। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों पर होगा, जबकि पंजाब हुकूमत ने MBBS के तुलबा से SOPs के तहत जिम्मी इम्तिहान लेने की इजाज़त दे दी। काबीना कमेटी ब्राइट कोरोना ने महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की तजवीज़ मंजूर कर ली। और सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वजीर सनत नियासम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हेल्थ ने शिरकत की। अब्दुल अलीम खान बोले, मरीजों की तादाद में इजाफा संजीदा मसला है, जिम्मेदारी दिखानी होगी। कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी प्लान तैयार करना होगा। शहर में कोरोना वायरस के 1408 नए केसेज रिकॉर्ड, मजमुई तादाद 21581 हो गई। मजीद 7 मरीजों के जान भाग होने से कुल तादाद 290 तक जा पहुंची। सुबह भर में कोरोना वायरस के 2641 नए केसेज सामने आने से मजमुई तादाद 43460 हो गई। पहली से सातवीं जमात के तुलबा को प्रोमोट कर दिया गया। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों पर होगा, जबकि पंजाब हुकूमत ने MBBS के तुलबा से SOPs के तहत जिम्मी इम्तिहान लेने की इजाज़त दे दी। काबीना कमेटी ब्राइट कोरोना ने महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की तजवीज़ मंजूर कर ली। और सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वजीर सनत नियासम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हेल्थ ने शिरकत की। अब्दुल अलीम खान बोले, मरीजों की तादाद में इजाफा संजीदा मसला है, जिम्मेदारी दिखानी होगी। कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी प्लान तैयार करना होगा। शहर में कोरोना वायरस के 1408 नए केसेज रिकॉर्ड, मजमुई तादाद 21581 हो गई। मजीद 7 मरीजों के जान भाग होने से कुल तादाद 290 तक जा पहुंची। सुबह भर में कोरोना वायरस के 2641 नए केसेज सामने आने से मजमुई तादाद 43460 हो गई। पहली से सातवीं जमात के तुलबा को प्रोमोट कर दिया गया। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों पर होगा, जबकि पंजाब हुकूमत ने MBBS के तुलबा से SOPs के तहत जिम्मी इम्तिहान लेने की इजाज़त दे दी। काबीना कमेटी ब्राइट कोरोना ने महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की तजवीज़ मंजूर कर ली। और सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वजीर सनत नियासम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हेल्थ ने शिरकत की। अब्दुल अलीम खान बोले, मरीजों की तादाद में इजाफा संजीदा मसला है, जिम्मेदारी दिखानी होगी। कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी प्लान तैयार करना होगा।